जिस प्रकार से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले में युवराज सिंह की परफॉर्मेंस रही वो सबसे खास बन गई है, क्योंकि दोस्तों लास्ट फाइनल मुकाबले में भी 41 गेंदों में 62 रनों की पारी आई। इन्होंने 7 मैचों के अंदर 194 रन जड़ दिए, तो वहीं पूरे सीरीज के दौरान उन्होंने 17 छक्के लगाए। लेकिन युवराज सिंह के इंटरनेशनल करियर पर नजर दौड़ाई जाए तो वे लगभग ICC के सभी बड़े खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अब तक अपने करियर में अंडर-19 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, IPL ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, T10 लीग खिताब भी जीते हैं। लेकिन अब उनके खाते में पहली बार आयोजित हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का खिताब भी जुड़ गया है। हालांकि युवराज इस साल होने वाली ICC टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन दोस्तों, युवराज ने जिस प्रकार से फाइनल मैच में अपनी भूमिका निभाई वो सबसे अहम हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, युवराज सिंह ने ये ऐसा पहली बार किया है कि कोई खिलाड़ी इतनी सारी ट्रॉफीज़, जो इतने सारे टूर्नामेंट होते हैं उनका हिस्सा रहते हुए उनकी ट्रॉफीज़ जीती हो। T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों युवराज सिंह की अहम भूमिका थी, ODI वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की अहम भूमिका थी, IPL ट्रॉफीज़ के दौरान भी वो कई सारी टीमों का हिस्सा रहे, मुंबई इंडियंस के साथ थे और कई और टीमों के साथ थे। लेकिन इस बार उन्होंने इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए टीम को जीत दिलाई, जिसकी वजह से उनके लिए और खास बन गया है। तो दोस्तों, ये है युवराज सिंह का वो महान रिकॉर्ड जिसकी बराबरी शायद ही कोई खिलाड़ी कर पाए, क्योंकि इतने सारे टूर्नामेंट इस उम्र में इतने जज्बे के साथ खेल पाना सिर्फ युवराज सिंह ही कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।